नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद सुमन। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ खास बातें बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको सफल होने के लिए कुछ मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के थंबनेल में आपको बताया है, जैसा कि लिखा है, कि खुद को मोटिवेट करें फिर देखें बदलाव। दोस्तों दुनिया में हर आदमी एक दूसरे के लिए मोटिवेट करता है, एक दूसरे के लिए सलाह देता है, एक दूसरे के लिए अच्छी अनुभव की बात करता है, तो क्या हम दूसरों की बात सुन के खुद को मोटिवेट क्यों ना करें, हम खुद काम करके खुद को मोटिवेट क्यों ना करें। मेरा मकसद है ये कि हम खुद काम करें, खुद उसका रिजल्ट देखें और खुद को मोटिवेट करें कि हमारे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है, हमारे लिए कितना इम्प्रूवमेंट की अभी और आवश्यकता है। यदि हमने खुद को मोटिवेट कर लिया तो हम सफलता की सीढ़ी पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों दूसरे लोग मतलब सफल लोग हमारे लिए अपने अनुभव बता सकते हैं, वो हमारे लिए सफलता नहीं दिला सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, यदि सफलता चाहिए है तो आपको खुद उस पर काम करना पड़ेगा, खुद को धन्यवाद देना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि मेरी कहां कमी रह गई है, उस कमी को हमें निकालना पड़ेगा। जब तक वो मैं कमी को समझ नहीं पाऊंगा, तब तक उस कमी को ढूंढ नहीं पाऊंगा, तब तक उस कमजोरी के पॉइंट को पकड़ नहीं पाऊंगा, तब तक मैं सफलता नहीं हासिल कर सकता। और सफलता हासिल करने के लिए मुझे खुद काम करके, खुद अपनी तारीफ करके अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि चलिए ठीक है, आपने अच्छा किया, अगली बार और अच्छा मैं करूंगा। खुद को मोटिवेट कीजिएगा, दूसरे मोटिवेट करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना चालू कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में आपने रिटन को क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन परीक्षा में पास हो गए हैं, इंटरव्यू में नहीं पास हो पाए, कोई बात नहीं, उस मार्क्स को देखिएगा, कितने अंक आपके आए हैं, उस अंक को जोड़िएगा और अपने आप को आंकना कि मैंने कितने नंबर लेकर आया हूं, मैं अपनी औकात के अनुसार लाया हूं, मैंने जितना पढ़ा था उतना लाया हूं। यदि नहीं लाए तो कोई बात नहीं, और लाए तो अच्छी बात है, हम दूसरा अटेम्प्ट देंगे और उसमें जितने नंबर हैं उसमें हम परसेंटेज बढ़ाएंगे और दूसरे अटेम्प्ट में हम जरूर उसको क्वालिफाइड करेंगे। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि यदि आपने इतनी मेहनत की है तो अच्छी बात है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि यदि आपने इतना काम कर दिखाया तो अच्छी बात है, दूसरे राउंड में हम इससे बेहतर करेंगे। अपने आप का एक गोल बना लीजिए, जब तक हम किसी चीज का गोल तय नहीं कर सकते तब तक हम उस मंजिल को नहीं पा सकते। इस बात का आपको बार बार मैं बताता रहता हूं कि यदि गोल तय नहीं है, हमारे मंजिल तय नहीं है, तो हमें पहुंचना कहां है इसका कोई पता नहीं है। दोस्तों यदि किसी को सफल होना है, किसी को आगे बढ़ना है, तो उसको अपना एक गोल तय करना होगा कि भैया मुझे आज मान लिया कि मुंबई जाना है, और मुंबई जाना है तो मुझे पता है तो मैं मुंबई की ट्रेन में बैठूंगा। यदि मुझे ये पता नहीं कि मुंबई जाना कैसे है और मैं किसी भी ट्रेन में बैठ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता थोड़ी कि मुझे मुंबई जाना, मैं किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊं, मेरा मंजिल तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। तो दोस्तों यदि आपको मुंबई जाना है, आपको ये तय कर लिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो आप मुंबई की ट्रेन में बैठोगे और मुंबई पहुंचोगे, ये तय है। तो इसी प्रकार स्वयं सफलता का रहस्य है, यदि आपको उस मंजिल को पाना है, उस सफलता को हासिल करना है, तो आपको अपना गोल तय करना पड़ेगा, आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस चीज को समझना पड़ेगा कि मुझे कहां जाना है, और जिस जगह पे जाना है उस जगह पे एक मार्क कर दीजिए, टिक कर दीजिए कि एक दिन मैं इस जगह पर जरूर पहुंच के आऊंगा, जरूर पहुंच जाऊंगा, ये मेरी सफलता होगी जिस दिन मैं इस जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों आपको यदि सफलता निश्चित करनी है तो गोल तय करना होगा, जब तक गोल तय नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आप एक एग्जाम दे लेना, चाहे 10 एग्जाम दे लेना, चाहे 25 एग्जाम दे लेना, कोई मतलब नहीं है आपका, जब तक गोल तय नहीं करोगे। दोस्तों आपको गोल तय करने के लिए दूसरों को देखना पड़ेगा, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरों की चीजों को समझना पड़ेगा कि लोगों ने यदि सफलता हासिल की है तो कैसे सफलता हासिल की है यार, हमारे जैसे ही तो वो आम इंसान होंगे, हम कोई अलग से तो नहीं आ गए। भैया इंसान सब एक से होते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि उनका गोल तय होता है और हमारा गोल तय नहीं होता है। हम साल भर में जितने एग्जाम आते हैं हम सभी एग्जाम को देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, या चाहे आपका नॉर्मल एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे सीजी गवर्नमेंट, किसी भी चीज का एग्जाम हो हमारे पास, तो हम खिचड़ी समझ के सारे साल भर एग्जाम देते रहना और सिलेक्शन एक में नहीं होना, ये बात तय है।
यदि मैंने ठान लिया कि मुझे SSC क्वालिफाइड करना है, बैंक क्वालिफाइड करना है, टीचिंग में जाना है और मुझे एक ही एग्जाम की तैयारी करना है, अपना गोल तय कर लिया तो वो गोल आपको मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि साल भर में जितने एग्जाम आ रहे हैं उन सभी एग्जाम को दूं तो आपका गोल तय नहीं है। आप क्योंकि पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, आपको टीचिंग लाइन में अलग पढ़ना पड़ेगा, आपको SSC में अलग पढ़ना है, बैंकिंग के लिए कहीं अलग पढ़ना है, सिलेबस सभी चीज का चेंज हो जाएगा। जब सिलेबस सभी चीज का चेंज होगा तो आप सभी चीज पढ़ोगे, और जब सभी चीज पढ़ोगे तो भैया सभी चीज पढ़ने के बाद खिचड़ी हो जाएगा, जब खिचड़ी होगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी करना चाहते हैं पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से अपना सिर्फ एक गोल तय कर लें। एक गोल यदि आपने तय कर लिया तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे करना क्या है, मैं कर ये सकता हूं, और करना क्या है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये समझ लीजिए कि मुझे करना क्यों है। जब तक आप ये क्यों शब्द नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको सफलता भी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको करना तो है लेकिन क्यों करना है ये रीजन आपको पता होना चाहिए। जिस दिन रीजन आपने अपने आप से पूछ लिया, अपने आप को समझा लिया, अपने आप को बता दिया, उस दिन सफलता निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपना गोल तय कीजिएगा और काम करने के बाद चाहे दिन भर काम करो, चाहे 2 घंटे काम करो और चाहे 1 घंटे काम करो, काम करने के बाद अपने आप को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा यदि 1 घंटे काम किया तो अरविंद तेरा धन्यवाद, तूने इतना काम किया, अगले राउंड में 1.5 घंटे काम करना, अगले राउंड में 2 घंटे काम करना। तो खुद को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। खुद को धन्यवाद दोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे, खुद को मोटिवेट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मेरी सफलता नजदीक आने लगी है। क्योंकि जब मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट देखूंगा तभी तो अपने आप को धन्यवाद दूंगा, और अपने आप को धन्यवाद तभी दे पाऊंगा जब मैं आगे बढ़ना चालू हो जाऊंगा। तो दोस्तों जितना भी काम करो, काम करने के बाद अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को धन्यवाद दो और अपने आप को पीठ जरूर थपथपाओ कि मैंने ये काम कर दिया, 1 घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, अच्छा किया, अगले राउंड में 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, अगले राउंड में 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने बताया है कि यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो आपको गोल निश्चित करना पड़ेगा, और गोल निश्चित कर लिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से आपको मोटिवेट करता रहूंगा। और दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहना सीखो, आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतने आप अच्छे रहोगे, उतने अच्छे विचार रहेंगे और उतने अच्छे काम होंगे, और जितने अच्छे काम होंगे उतनी अच्छी मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो और अपना गोल तैयार करो। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साइन पर जरूर क्लिक कर लेना, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।